शातिर ठग ठगी को लेकर नए नए तरीके अपना रहे हैं। वहीं बराड़ा के गांव उगाला में एक हार्डवेयर की दुकान से शातिर ठग ने बड़े ही शातिराना अंदाज से ठगी की वारदात को अंजाम दिया और दुकानदार को 50,000 की चपत लगा दी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम रोहित कुमार है जी। मेरी उगाले चौंक से दुकान है बुद्धि राजा प्लाईवुड स्टोर के नाम तो। बुधवार 24 तरीक न सुबह मेरे को एक आदमी आया, उन्हें आके मैंने कहा जी कि मैंने किल्ला चाहिए ने। मैं उन्होंने 10 रुपये की किल्ला दी, उन्हें मैंने 100 रुपये दिते, जबकि मैं उन्होंने खाली 90 रुपये वापिस कर लगा। तो मेरी जेब पेमेंट थी जो कि मैं देनी है सी, उन्हें मेरी पेमेंट देखी, इस चीज़ का मैंने नहीं पता, उन्हें मेरी पेमेंट देख ली है। कुछ टाइम बाद वो फिर आया, उन्हें आके मैंने जाली किया भी दे दो, मैं उन्हें जाली देन लगा, उन्हें मेरे नाल समझ नहीं आई की किया है, मैंने हाइपोटाइज किया है या सम्मोहित करके मेरी पेमेंट लै गया जी वो 50,500 रुपये। और मेरी हुण बराड़ा पुलिस तो यही एक दरख्वास्त है कि मेरे नाल जो घटना घटी है इनू अच्छी तरीके नाल देखा जाए कि उन्हें की किया, ताकि कोई होर दुकानदार ना लुटा जा सके जी, और यदि खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई हो। जो व्यक्ति आपसे पेमेंट ले गया, आपने उसकी शक्ल पहचानी है, पहचान लोगे? नहीं, उसने हेलमेट डाला था जी बिना शीशे वाला, और उसकी आंखें भी दिख रही थी, लिप्स भी नोज़ भी मतलब दिख रहा था जी, मतलब पर अब पता नहीं है सर उसका बस। सर उगाला वाला क्या मामला है 50,000 रुपये का? उगाला में रोहित नाम का व्यक्ति है, उसकी दुकान है वाला चौक पे, उसने कंप्लेंट दी थी मेरे से, कोई धोखाधड़ी से 4,000 रुपये ले गए, तो उसमें कोई अननोन था, उसके सिर में पेमेंट था उसके, इसलिए ना जाली लोहे की जाली ले गया था, उसकी दुकान हार्डवेयर में, तो उसमें जाली थी ब्लैक पेंट वाली जी, जाली हमारे मंदिर में, और ब्लैक पेंट डाल दो आप उसे पेंट डालो या आप टॉल ले लो, तो उसके पेंट में पैसे थे उसके पास 4,000 रुपये। सुबह आया था दुकान को, उसने वो देख लिए, फिर उस दोनों पीछे जाली काटने गए, जब वो दुकानदार तो साथ चला गया वो उसके अंदर दुकान में, तो वहाँ जाकर उसने पैसे निकाले 4,000 रुपये उसमें चला गया। खरा कभी आऊँ बाहर से मैं दोबारा वहाँ आएंगे, उसकी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि सिर पर उसका हेलमेट था, और जो दुकानदार था उसकी गलती रही, उसने उसका हेलमेट नहीं उतरवाया, पूछताछ नहीं की उससे कुछ, और ऐसे तो कर 4,000 रुपये लगा। वो लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये लोग जो है ना नए नए तरीके निकालते हैं उतर रही है, और दुकान पर आपके मेंबर गले में से या किसी तरह से आपसे पैसे छीन लेते हैं चोरी से, इनसे बचें आप, तो यही लोगों से अपील है। सर बराड़ा पुलिस सर किन दौरान मामला दर्ज किया गया है? 420-379 किया।